हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। मैं हूँ अंजू और अंजू ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और बस अभी सुबह हो गई है और सुबह होने के बाद चाय भी हो गई, पूजा हो गई है। अभी बन रही है भजिया नाश्ते में। ये मैंने प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया काट लिया है, ऐसा करने की भजिया बनने वाली है। और आप लोग सब कैसे हैं गाइस, बताइए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जितना हो रहा है मेहनत कर रही हूँ, जो हो सकता है मैं आपको दिखाती हूँ। होता है मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, जल्दी से मैं शॉर्ट ले नहीं पाती हूँ। और कभी कभी पता है मैं वीडियो बनाती हूँ तो कभी मुझसे डिलीट ही हो जाती है, तो वो सब हो जा रहा है। चलिए ठीक है, होते होते हो जाएगा। और आप लोग ऐसे बने रही है मेरे साथ, हम बस मिर्ची बनाते हैं। ये देखिए, ये है वो मोटी वाली मिर्ची, क्या बोलते हैं इसको, हम मैं तो मिर्ची बोलती हूँ, बड़ी वाली मिर्ची। तो इसके भी भजिए बनाने वाली हूँ, मिर्ची के पकौड़े। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। आप लोग मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए और उसमें कमेंट भी कीजिए कि मैंने क्या किया है, क्या जो भी आपको लगता है उस तरह से कमेंट करके बताइए मुझे। फिर मैंने पिछले व्लॉग डाला था जो मेरे बच्चे के, मेरा बेटा था उसके बर्थडे का, तो वो वीडियो आप पूरा देखिए, पता चलेगा। मेरे फैमिली मेम्बर्स से आप मिलेंगे और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ना अपने फैमिली मेम्बर से इसे पर्सनली मिलाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलाया, क्योंकि किसी को ना ज़्यादा पता भी नहीं कि मैं वीडियोस बना रही हूँ तो इस वजह से। बट मैं इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर मिलाऊँगी, तो आप लोग बने रहिए, मिलिए मेरी फैमिली से। अभी मिर्ची की भजिया बना रही हूँ और उसके लिए ये मैंने मसाला बना रही हूँ। मसाले में बेसन, नमक, जीरा पाउडर इसका मसाला है, मिर्ची हिला क्यों रहे सीधा रखो। मुझे पूरा प्रैक्टिस समझ नहीं आया आपको, इतना भड़काया आपको। मिर्ची हो गई तैयार, ये हो गया प्याज का मसाला तैयार, ये हो गया आलू, अब बनेगी भजिया। तेल भी हो गया गरम, तेल गरम हो गया बेटा, दूर तेल से दूर। चलिए हो गई है रेडी, सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली है, अब बनाती हूँ। सब आ जाए इससे पहले मैंने चटनी वटनी बना ली है, चटनी भी हमारा रेडी हो गया है। हमारे यहाँ चटनी में कैसी खाते हैं, दही, ये देखिए पूरा सा दही है सब पतला, और इसमें मतलब मीठा दही है, मीठे दही में हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, मिर्ची सब ऐसे डाल के और उसको पतला से मट्ठे टाइप बना लेते हैं और फिर उसको इससे खाते हैं, मतलब भजिया है तो उसके साथ में खाते हैं। मैं आलू की भजिया बनाती हूँ पहले, जब तक सब आते हैं फटाफट बनाती हूँ, तो गरम गरम भजिया खाने में मज़ा आएगा।
इसका बैटर देखिए, ये आलू के बचिए का बैटर है। हो गया है और अब मैं इसमें डालती हूँ खांसी से ही परेशान हूँ मैं, इतनी दवाइयाँ खा ली है मैंने एक हफ्ते से, फिर भी ऊपर कम पड़ रहा है। भजिया बन गई, अभी शौर्य भजिया कैसी लगी? अच्छी। ये शौर्य है, माँ कौन है? माँ मिर्ची की भजिया का कौन है? आपको दे ऊपर ऊपर का खा रहे हैं फिर का। और कौन सी भजिया खाना शौर्य? ये ले थोड़ा टेस्ट कर इसको। नहीं खाऊंगा मैं। मां तुम ले रहे हो ना, एक छोटा सा तो पीस है वो। क्या प्याज वाला है? प्याज वाला नहीं, मेरे पास फोटो है प्याज की भजिया खाते हुए मां। हेलो गाइस, मैं फिर से मिल रही हूँ और अभी हमारा नाश्ता पानी हो गया है, बस खाना बन रहा है। खाने में आज बनेगा सिर्फ सब्जी रोटी, क्योंकि आज है एकादशी और एकादशी को हम लोग दाल चावल नहीं बनाते, मतलब चावल नहीं बनाते, दाल भी नहीं बनाते। और ये बर्थडे का डेकोरेशन कुछ निकल चुका है थोड़ा बहुत, और आज मेरा बेटा वापस जा रहा है अपने हॉस्टल, तो उसकी तैयारी चालू है। मैं बना रही हूँ सब्जी। शिमला मिर्ची, आलू और फूल गोभी, अरे मैंने पनीर फ्राई करके रखे हैं। अब इसकी ऐसे सब्जी बनाने वाली हूँ, फिर की सब्जी देखिए सब फ्राई करके फिर बनाऊंगी। सब्जी बना रही हूँ मैं अभी, आप लोग में से कौन एकादशी का व्रत रखता है? जो भी मुझे देखते हैं अगर वो एकादशी का व्रत रखता है तो कमेंट में जय श्री शाम जरूर लिखिएगा। आज के लिए हम लोग लसन और ये सब का थोड़ा, मैं तो फिर व्रत हूँ पर जो नहीं गए जो मेरे बच्चे ने बोला था, मैंने मुझे प्याज की भजिया खानी थी, मेरे को बनानी पड़ी। बाकी हमारे यहाँ से ज़्यादातर को नहीं खाते हैं, इसलिए मैं इसे सिंपल सी फ्राइड सब्जी बना रही हूँ। और आज हॉस्टल भी जाना है उसको, उसकी तैयारी भी चालू है।
घर में फिर अकेले ही रहो, अकेले ही रहती हूँ सारा दिन। फिर चलिए मिलती थोड़ी देर में। खाना जा रहा नहीं खाए, मैं नीलू को आलू टमाटर मिर्ची काट पीट के दे रही थी और भरता बना रहा था। ये सुबह हम किस में लगी थी, मम्मी ने पता नहीं बनाई, मम्मी ने भी बनाई, इसमें प्याज डाली मेरे भरते में, मेरे को भी नहीं पता। हाँ प्याज तो मैंने काट के दी, बिना प्याज के भरता फिर बना, अलग से निकाल देते फिर बना लेते हैं। देखो क्या पता, मैंने मानो आलू प्याज टमाटर मिर्ची बैठे बैठे काट करके दी, उन्हें पटपट बनाई, इसने सौरे को नहलाई, सुबह हमको तैयार करी, उसमें लगी थी। आ बढ़िया, तो आपने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया, अभी बैठ रहे ना, खाना नहीं खा रही, इधर से समझा खाने नहीं खा। अच्छा क्या क्या बना रही थी, क्या बना रही? ये दही बना रही। अच्छा कहीं भी चलो, उसको थोड़ी समझता है, वो तो क्या बोलते खुद ही दूसरे के नहीं, उसको बोल रही हूँ मैं को गोवा लेके चल, शौर्य तो बोलता नहीं समझता, नहीं बोलना नानी मैं किसी के परवास नहीं हूँ, नहीं तो बोलना मामा को, बोलना नानी भी चलेगी, ठीक है क्या शौर्य लेके चलेंगे ना, ठीक है हम भी चलेंगे गोवा। पुष्पा कैसे कहते, पुष्पा 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 करके बता, करके बता, करके क्या कहते पुष्पा, समझ के फ्लावर समझे क्या फायर मैं आई। हेलो गाइस, अभी सब काम हो गया है और मैं नीचे गई थी, मेरा बेटा चला गया है हॉस्टल, उसको छोड़ने के लिए मैं नीचे तक आई थी, फिर बैठ गई थी मेरी जेठानी जी के साथ, अभी बस ऊपर आ रही हूँ, बस अभी व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री श्याम।